अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान एहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाए रिलेटेड टू इट्स इंपॉर्टेंस, इनकी कितनी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट व्यू से। तो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो इतने खासे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट व्यू इन 5 मार्क्स, बिकॉज ये आपका पास्ट पेपर में आया हुआ है। अब अक्सर बच्चे बोलेंगे, सर ये तो हमारी न्यू बुक है, इससे तो कोई पास्ट पेपर बना ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चला ये पास्ट पेपर में आया है? तो बेटा, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है बहु आपकी प्रीवियस बुक में भी था, तो बेटा वहां पे ये जो क्वेश्चन है आपके पास पास्ट पेपर में आया हुआ है और एक से ज्यादा बार आया हुआ है, तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काइंडली क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आपने गौर से तवज्जो देकर समझना है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है? पेपर पॉइंट व्यू से तैयार कर लेने, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डाल दी है, जो कि एमसीक्यूज तक ही रहेगा, ठीक है ना? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इतना खासा नहीं है और सिंपल है, इतना ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और उसका सलूशन करते हैं। तो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इफ an माइनस 3 इक्वल टू 2n माइनस 5, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें एक टर्म दी गई है और कहा गया है कि इस ये जो टर्म बिलोंग करती है उसकी nth टर्म मालूम करो उस सीक्वेंस की, ठीक है जी? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि nth टर्म क्या होती है। तो भाई, nth टर्म, ठीक है जी बेटा, nth टर्म या जनरल टर्म, ठीक है जी बेटा, जनरल टर्म या nth टर्म को हम किससे प्रेजेंट कर सकते हैं? ए एन से प्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको पता होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए एन टर्म मालूम कर देनी है। अच्छा जी, अब अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होगी, सर टी एन भी तो प्रेजेंट करते हैं जी, टी एन से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे ना, आपको जो फॉर्म ऑफ टर्म दी गई है टी ए, मतलब कि ए एन माइनस 3 दिया है, अगर टी एन माइनस 3 देता तो मैं इससे प्रेजेंट करता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें जनरल टर्म, ये जो हमें फॉर्म दी गई है टर्म की, वो ए एन माइनस 3 की दी हुई है, तो इसीलिए मैं जनरल टर्म को मैंने ए एन से प्रेजेंट किया गया। तो ये बात यहाँ पे आपको बतानी वाली है कि क्वेश्चन के लिहाज से जो डेटा दिया हुआ उसी हिसाब से आप फिर अपने जो सिंबल होंगे उनको चेंज कर लेंगे, ठीक है जी बेटा? तो यहाँ अगेन आप क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। तो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पे जो गिवन दिया गया है, गिवन टर्म दी गई है, वो क्या दी गई है? an, ठीक है जी, an माइनस 3 इक्वल टू 2n माइनस 5, ठीक है, ये दिया गया है और कहा गया फाइंड क्या करना है, या रिक्वायर्ड की हेडिंग डालने, रिक्वायर्ड लिख दे, फाइंड लिखना चाहे फाइंड लिख दे, हमें क्या कहा गया है कि nth टर्म मालूम करनी है। तो nth टर्म को हम किससे प्रेजेंट कर सकते हैं? an से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी बेटा, हमें ए एन टर्म मालूम करनी है। तो अब कैसे मालूम करनी है? बेसिक सा आइडिया लगाना है और अपना आंसर हमारे सामने हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए छोटा सा काम करेंगे, जरा देखिएगा बेटा, एन माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दे, हिंस ए एन माइनस 3 इक्वल टू 2n माइनस 5, ठीक है जी बेटा। यहाँ पे इसने हमें ये दिया है बेटा, हमें ये एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के अंदर ए एन माइनस 3 है। अगर हम ऐसा कुछ काम कर दें कि यहाँ से ये माइनस का 3 खत्म हो जाए और ए एन रह जाए, तो जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि nth टर्म, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए एन किसको प्रेजेंट कर रहा है? nth टर्म को। तो nth टर्म जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाए, तो ऐसा क्या काम करूं? तो बेटा, इसके अंदर ये माइनस का 3 है, तो इसके अंदर अगर मैं प्लस का 3 कर दूं, तो प्लस माइनस 3 करके एक दूसरे को कैंसिल आउट करके सिंपल n बच जाएगा, तो ए एन की फॉर्म आ जाएगी जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं माइनस का 3 है, प्लस का 3 कर दूंगा। अब बेटा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेसिकली प्लस का 3 मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया है ना, तो इस साइड में भी ऐड किया, तो दूसरी साइड में भी ऐड करूंगा, ताकि मैथमेटिक्स का रूल ब्रेक ना हो। तो n का मतलब n वाली टर्म के अंदर किया ना, तो इक्वल के इस साइड में भी किया, तो इक्वल के उस साइड में भी मैं करूंगा, ठीक है जी बेटा। तो प्लस का 3, तो इससे यह हो जाएगा बैलेंस, मैथमेटिकली ये करेक्ट होगा, ठीक है जी। तो सिंपल क्या किया मैंने यहाँ पे, हमें nth टर्म मालूम करने के लिए माइनस 3 को खत्म किया, ताकि nth टर्म बन जाए, an फॉर्म बन जाए, तो इसीलिए मैंने प्लस का 3 इधर भी ऐड किया और उस साइड पे भी ऐड किया, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे मेरे पास n बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे ये जो 2 है, इस टर्म से भी और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2n हो जाएगा, और 2 3 6 माइनस 5। अब ए एन इक्वल टू 2n ऐसी कैसी रहेगा, प्लस का 6 माइनस का 5, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके हम लोगों को जो चीज रिक्वायर्ड थी, क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि nth टर्म मालूम करें, nth टर्म को हम an फॉर्म कहते हैं, और an फॉर्म हमने बड़े ही आसानी तरीके से मालूम कर ली है, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग डाल दी है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और उसके सोल्यूशन करते हैं। तो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स
3 माइनस 2x एंड डॉट डॉट एंड कंटिन्यू है। तो बेसिकली एक सीक्वेंस दी गई है और कहा गया है इस सीक्वेंस की 20th टर्म मालूम करके दें। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे रिक्वायर्ड। हमें यहाँ पे क्या है 20th टर्म, ठीक है जी बेटा। 20th टर्म का मतलब क्या होगा, T20, ठीक है ना, T का मतलब और T20 यानी कि ब्रैकेट मतलब इसके साइड में यहाँ पे लिख दे, तो इसका मतलब 20 टर्म हमें मालूम करनी है। फाइंड 20th टर्म, तो 20 टर्म को हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। फिर उसके अलावा हमें यहाँ पे क्या दिया, गिवन सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस क्या दी गई है, सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस हमें यहाँ पे दी गई है 1, ठीक है जी, 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये एक टर्म ये है और फिर उसके बाद अगली टर्म है 3 माइनस 2x एंड ये सो ऑन जाती जा रही है, ठीक है जी बेटा। एक टर्म हमारे पास ये है, दूसरी टर्म हमारे पास ये है और तीसरी टर्म हमारे पास ये है, ठीक है जी स्टूडेंट। ये सिर्फ डाटा दिया गया है, एक सीक्वेंस दी गई है और कहा गया है इसकी 20 टर्म मालूम करके दे। बहुत ही आसान है, सिंपल जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं हम उसका काम कर देंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले इस सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म हमें क्या दी गई है, फर्स्ट टर्म को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, वो हमें क्या दी गई है, ए दी गई है, ए जो है वो 1 दिया गया है। अब उसके बाद में दूसरी हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला के अंदर डी की जरूरत पड़ती है, तो डी किसके इक्वल होता है, T2 माइनस यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है जी बेटा। तो सेकंड टर्म हमें यहां पे क्या दी है, सेकंड टर्म हमारी 2 माइनस एक्स, ठीक है जी, माइनस 1, ठीक है जी बेटा, T1 है, T2 माइनस T1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म लिखी पहले और फिर माइनस कर दी फर्स्ट टर्म। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो जरा देखेंगे 2 माइनस 1 किया तो यहाँ पे मेरे पास 1 बचेगा और माइनस एक्स है वो ऐसे कैसी रहा, तो यहां से हमारे पास डी की क्या वैल्यू निकल के आ गई, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, सही थी बेटा। तो ये मैंने डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब आ जाते हैं, नाउ वी फाइंड जो रिक्वायर्ड है हम लोगों को, हम लोगों को क्या मालूम करना है, 20th टर्म मालूम करके देनी है, ठीक है जी बेटा। तो 20th टर्म का एक जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, सिंपल सी बात है, 20th टर्म इक्वल टू ए, ठीक है जी, ए प्लस 20 टर्म है, 20 टर्म से एक टर्म कम कर देंगे और डी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ये चीज इसी से निकली हुई है, ठीक है ना बेटा। याद रहेगा कि मैंने जब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रहा था उसमें बताया था कि मिसाल के तौर पर कोई भी टर्म दे दी जाए, मिसाल के तौर पर T6 है तो उससे एक कम करके वो 6 की मतलब 6 से कम करके 5 आएगा, डी से वो मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये मैंने उस वक्त आपको बताया था, मिसाल के तौर पर 20 टर्म हो तो उसको ए प्लस 90 यानी कि इससे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान होगी, हमारा सोल्यूशन आसान होगा। अभी हम आगे चलेंगे तो हमें बहुत बहुत बार बार ये काम करना पड़ेगा, तो अगेन हम इस फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे और nth की वैल्यू हमें पता है, हम ये डालेंगे तो यही फॉर्म बनेगी। तो हमने इसको इसीलिए एक बार एक्सप्लेन करके, आपकी बुक में भी इसी मेथड को प्रीफर किया गया कि बच्चों को ये चीज करवाई जाए, ठीक है ना बेटा, ताकि वो बार बार इस चीज को ना सोल्व करें, बहुत लेंथी हो जाएंगे तो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं आगे आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। तो काइंडली इस चीज को जरूर समझिएगा, अक्सर बच्चे इसको इतना नहीं अहमियत देते, ठीक है ना, मैं देखता हूँ तो कंफ्यूज इसी में हो रहे, तो इसको ज्यादा क्लियर कर ले। तो इसी चीज को मैंने यहाँ, इसी चीज को कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे मैंने ये सिंपल एक फॉर्म लिखी है। अब देखिएगा आंसर मेरा कितना आसान है, तो भाई मुझे पता है यहाँ से मुझे 20 टर्म मालूम करनी है, 20 टर्म का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो अब बस वैल्यू पुट करें और अपना आंसर दे दें। तो भाई ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, 1 लिख दिया, प्लस 19 डी, डी क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो भाई से ये है 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 और 19 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 19 जमा किया 1 तो 20 माइनस 19 एक्स और ये T20 है, ठीक है जी बेटा। तो नाउ हमारा जो रिजल्ट है, हमें जो कहा गया था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया था, रिजल्ट की हेडिंग डालना चाहे तो डाल दे, अच्छी बात है। रिजल्ट बेसिकली क्या था, 20th टर्म मालूम करनी थी, तो 20th टर्म हमारे पास आ गई है 20 माइनस 19 एक्स, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे चाहूँ तो मैं आपको आंसर भी चेक करवा सकता हूँ, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 4 कर रहे हैं, तो भाई ये 4 है, तो इसका देख ले 20 माइनस 19 एक्स, तो 20 माइनस 19 एक्स, तो यहाँ पे आके हमने आपको आंसर भी चेक करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें क्या कहा गया था, 20 टर्म मालूम करनी है और गिवन सीक्वेंस दी गई थी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जनरल टर्म के हमने अपना आंसर दे दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइंडली इसको तवज्जो से आपने समझना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ स्टूडेंट। तो अब बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, फाइंड द 21st टर्म ऑफ द एपी इफ द 6th टर्म इज 11 एंड 15th टर्म इज 47, ठीक है जी बेटा। हमें ये बेसिक डाटा दिया गया है और कहा गया है 21st टर्म मालूम करें। तो क्वेश्चन को जैसे ही हमने पढ़ा तो हमें क्या पता चला, बेसिक हमें रिक्वायर्ड सबसे पहले क्या है, रिक्वायर्ड की हेडिंग डालना, रिक्वायर्ड की या फाइंड की हेडिंग डालना चाहे फाइंड की, जो आपका दिल करे वो आप डाल दें, ठीक है जी। हमें क्या कहा गया है, फाइंड 21st टर्म, हमें 21st टर्म मालूम करनी है। तो 21st टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ T21, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, 21 टर्म हमें मालूम करनी है। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है,
सिक्स टर्म। अब इसके अलावा गिवन गिवन की हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है जी। गिवन में इसने हमें क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है सिक्स टर्म इज 11। तो भाई सिक्स टर्म हम टी थ्री से लिखेंगे, इसका T6 का मतलब क्या है, सिक्स टर्म क्या है 11 है, इसने खुद कहा है, कहा है ये लिखें, इट्स सिक्स टर्म इज 11 एंड और उसके अलावा फिफ्थ टर्म इज 47। तो फिफ्थ 15 टर्म, ठीक है जी बेटा, तो 15 टर्म क्या है, वो है 47। तो ये 47 आपने लिख दिया। तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक टर्म ये दी गई थी और एक टर्म ये दी गई थी, बेसिकली जो टर्म मैंने लिखी है यहाँ पे वर्डिंग के अंदर लिखी हुई थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो भाई हमने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें सिर्फ ये दो टर्म्स दी गई हैं, एक सीक्वेंस होगी यकीनन, उस सीक्वेंस की कोई सिक्स टर्म होगी वो 11 है और उस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म यानी कि 15वीं कोई टर्म होगी वो 47 है। अब इन दो टर्म को दिया गया है और कहा गया है 21 टर्म मालूम करके दे, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके मैं आपको एक हिंट दूंगा और इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे की एक्सरसाइज में भी इक्का दुक्का जगह मिलेगा, तो वहां पे आपने बिल्कुल यही सेम स्ट्रेटेजी लगानी है। क्या लगानी है कि कभी भी आपको कोई दो टर्म दे दी जाए और कोई तीसरी टर्म मालूम करने के लिए कहा जाए, तो अब भी जो हम लोग काम करेंगे आपने वही काम करना होगा वहां पर भी। क्या करना होगा जरा देखें बेटा, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे हिंट्स, जो हमें दो ये चीजें दी गई है ना T6, ठीक है ना, सबसे पहले हम इसको ले लेंगे T6। हमें पता है कि भाई T6 जो है किसके इक्वल होता है, A प्लस 5D, सही है ना बेटा। यानी कि जनरल टर्म के अंदर अगर हम लिखें, ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है उसको सिंपलेक्स फॉर्म में लिखें इन द फॉर्म ऑफ T6, तो वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले मैं इसको ये कर दूंगा, ठीक है जी, A प्लस 5D इंटू 11, ठीक है जी बेटा, इसका नाम रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1, सही जी। फिर उसके बाद में लेंगे नाउ, अब पहले ये ले लिया, फिर उसके बाद अब ये ले लेंगे T15, जो यानी कि दूसरा नंबर जो दिया जाएगा वो क्या दिया, ये। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि T15 किसके इक्वल हो सकता है, A प्लस, अगर इसको मैं एक्सपेंड करके रखूँ जनरल टर्म में, तो A प्लस 15 है, 15 से कम करते हैं 14 हो जाएगा, 14D। तो T15 की जगह मैं ये इसको एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ ये, सही जी। अच्छा जी, ये हो गया और इक्वल किसके, ये 47 के। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जो दो टर्म मुझे दी गई थी, ठीक है ना बेटा, उसको मैंने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, आपको पता है हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो वो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे वैल्यू छोड़ी है। अच्छा जी, इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 लिखा था और इसका नाम मैं इक्वेशन 2 रख देता हूं। अब क्या करना है, अब बेटा मैं इन दो इक्वेशन को क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। अब वो मैं क्यों करूं अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भाई सबट्रैक्टेड, ठीक है जी, सबट्रैक्टेड बोथ इक्वेशन, तो इक्वेशन जो है उनको सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चले जी एक ही बात है यार, सबसे पहले A प्लस 5, ठीक है जी बेटा, A प्लस 5D इक्वल टू 11। फिर उसके अलावा दूसरी क्या लिखी हुई इक्वेशन, A प्लस 14D इक्वल टू 47। मैंने यहाँ पे क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। चले जाए करते हैं, तो सबसे पहले ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, जी बिल्कुल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का, ठीक है ना बेटा, ये प्लस तो खत्म हो गया, माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस का 14 है, माइनस का 14 है सॉरी, तो ये प्लस 5 और माइनस 14 किया, तो यहाँ पे माइनस का 9D, ठीक है जी बेटा, ये माइनस का 9D बच गया। इक्वल का साइन लिखा था, इक्वल आ गया। अब आगे चलते हैं, तो 11 और माइनस 47, ठीक है जी, माइनस 47 लिखा है, इसको इक्वल किया, तो यहाँ पे माइनस 36 आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, इसका मैंने क्यों किया, अभी थोड़ी देर के अंदर समझ आ जाएगा ये मैंने एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट क्यों किया। अभी जरा देखना, ये माइनस, ये मतलब कि 9 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो माइनस 36 अपॉन ये माइनस का 9 इधर आ गया, सबसे पहले माइनस से माइनस काटा और उसके अलावा 36 भी डिवाइड हो रहा है 9 से, तो ये मैंने काटा, तो 36 डिवाइडेड बाय 9 किया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4, सही जी बेटा। तो डी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो D की वैल्यू है पुट करूंगा इक्वेशन 1 के अंदर या 2 के अंदर, अब मेरी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है, मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है जी बेटा। तो भाई D की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में पुट कर दूं या 2 में पुट कर दूं, इससे क्या होगा, जैसे ही मैं D की वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी, और जब मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी तो मैं सिंपली 21 की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, क्या भाई मुझे पता है 21 टर्म जो है, 21 टर्म को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, A प्लस 20D, है ना भाई, इसको अगर सिंपली या जनरल फॉर्म में लिखा जाए 21 टर्म को इन AP, ठीक है जी बेटा, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे एक D की वैल्यू पता चल गई है, A की वैल्यू भी पता चल जाएगी जब मैं D की वैल्यू डाल दूंगा, तो A और D की जब वैल्यू डालूंगा तो ऑटोमेटिकली 21 टर्म मेरे पास आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने इन दो टर्म को माइनस किया था, माइनस क्यों किया था, ताकि A खत्म हो जाए, A जैसे ही खत्म हुआ तो D की वैल्यू आ गई, और D की मदद से मैं A की वैल्यू आ जाएगी, जब A और D की वैल्यू मुझे पता चल गई तो यहां पे आके मैंने अपनी 21 की टर्म मालूम कर ली, ठीक है जी बेटा, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, और यही जो चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे पुट इन
इक्वेशन वन के अंदर ही कर लेते हैं, ठीक है जी बेटा। तो इक्वेशन वन क्या लिखिए, 1 + 5d × 11, a ऐसे ही रहेगा, प्लस 5d की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है जी, इक्वल टू 11। फिर हम आगे क्या करेंगे, 4 × 5 = 20, ठीक है जी, 11 प्लस क्या होता जाके माइनस का, ठीक है जी बेटा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे, a की क्या वैल्यू बनी, -9 बन गई, ठीक है जी बेटा। आप चाहे तो 11 - 20, ठीक है जी बेटा, -9 आ गया। तो यहां से हमने a की भी वैल्यू निकाल ली, ठीक है जी बेटा, तो a भी आ गया, d भी आ गया। अब हम इजीली 21 टर्म निकाल सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया था, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, सही जी बेटा। तो चले जी आ जाए, अब यहाँ पे हेडिंग डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं कि नाउ वी फाइंडिंग 21 टर्म। तो भाई 21 टर्म जो है किसके इक्वल हो सकती है, a प्लस 20d, ठीक है जी बेटा। ये आपको पता है इस जनरल टर्म की एक सिंपली फॉर्म, अगर ये तो tn की फॉर्म है ना, तो 21 की टर्म में यहाँ पे लिखूंगा, आपको पता है n में से एक कम हो गया, कम हो के 20 में से एक, 21 में से एक कम हो के 20 आ जाएगा। ये जो चीज है ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसी चीज का है, ठीक है ना बेटा। कोई भी टर्म हो उससे एक कम करके वो d से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसकी एक क्या बोल सकते हैं, कॉमन फॉर्म बन जाती है, जनरल टर्म बन रही होती है, ठीक है ना बेटा। तो इसी को यूज करते हुए, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए t21 किसके इक्वल हो जाता है, a प्लस 20d के, ठीक है जी। तो यहां पे बस वैल्यू डाले, a हमारे पास -9 है, प्लस 20d हमारे पास यहां पे क्या है, d हमारे पास यहां पे 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो भाई सिंप्लीफाई करने के लिए 20 × 4 के, तो ये 80 हो गया, ठीक है जी, 80 हो गया, और 80 के बाद माइनस करना है 9, माइनस 9 किया तो ये 71 आ गया, ठीक है जी बेटा। तो 71, तो ये आपने क्या निकाला, 21 टर्म निकाली, एक सीक्वेंस थी, उस सीक्वेंस की आपको छठी और 15वीं टर्म दी गई थी, कहा गया था कि 21 टर्म निकाले, तो 21 टर्म आपने माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से निकाल ली है विद द सिंध बोर्ड एकेडमी हेल्प। तो अब आप चाहे तो अपना आंसर भी चेक कर लें, ठीक है जी। तो अब मैंने आंसर बुक भी अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया बच्चों को, ताकि मैं चेक करवा सकूं कि भाई एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 किया है, यहां पे हमें क्या निकाली थी, 21 टर्म निकाली थी, जो कि 71 आ गई है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका आंसर स्टूडेंट, स्पेशली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, आपने इसको अपने एग्जाम के लिए जरूर तैयार करना है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया हुआ है। तो बेटा यहां पे मैं इस लेक्चर को करता हूं एंड, काइंडली सिर्फ एक छोटी सी दरखास्त है कि बेटा सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगर हो सके तो कोई भी वीडियो हो उसको लाइक जरूर कर दिया करें, उससे ये होता है उस वीडियो की या चैनल की रीच बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि आपके क्लास 9 से लेकर 12th तक के जितने भी नई बुक्स हैं, इंशाल्लाह मेरा इरादा है उसका सोल्यूशन डालूंगा इस यूट्यूब चैनल पर, तो हो सके तो जितना शेयर कर सके दोस्तों से, कजनों से जरूर कर देना, ठीक है जी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, अल्लाह हाफिज़।